दोस्तों स्टडी 91 के बीपीएससी के इस टेस्ट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और बीपीएससी में हमें किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है इसके बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ। हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा कि सबसे पहले हम कवर करें बीपीएससी में बिहार स्पेशल को, क्योंकि बिहार स्पेशल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और जहाँ तक मुझे मालूम है कि इस बार बिहार स्पेशल से कम 35 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। सीधा 35 प्रश्न सीधे बिहार स्पेशल से आएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव प्रोग्राम भी कवर करते चलेंगे। बस जुड़े रहिए आप स्टडी 91 के साथ ताकि हर एक चीज़ों पर आपकी अच्छी पकड़ हो सके, अच्छी नज़र हो सके, ठीक है। देखिए आज का हमारा टॉपिक है बिहार की वनस्पति। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक मैं आपके सामने लेके आऊँगा ताकि हर एक टॉपिक पे आपका फोकस रहे, ठीक है। बिहार की वनस्पति से, इस टॉपिक से आपको क्या याद रखना है टू दी पॉइंट, मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा और वो चीज़ आप जरूर याद रखेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए जब बात आती है बिहार की वनस्पति के ना, तो बिहार के वनस्पति से संबंधित कुछ पॉइंट हैं। टोटल 7 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उन 7 पॉइंट को आपको याद रखना है। पहला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर कि बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 7.1% भाग पर क्या है, वन आच्छादन है, मतलब वन आच्छादित है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम पूरा बिहार राज्य को माने 100%, तो उसके 100% में कितना परसेंट हिस्सा पर वन है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर एकदम डाउट मत रखिएगा, क्लियर रखिएगा अपना कॉन्सेप्ट। कितना, 7.1% बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 7.1% भाग पर वनाच्छादित है। राज्य की 6,764.14 वर्ग किलोमीटर भूमि वनों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये वाला डेटा आप नहीं भी याद रखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन ये 7.1% आप एकदम दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगला दे रहा है कि बिहार में कुल मिला जुला करके 12 आरक्षित वन है। कितने आरक्षित वन है, टोटल 12 आरक्षित वन है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट याद रखिए, बिहार में प्रति व्यक्ति वन की भूमि का औसत कितना है, प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए औसत, तब तो याद रखिएगा दोस्तों औसत जो है वो है 0.01 हेक्टेयर। एक व्यक्ति के हिस्से में कितना वन आता है, 0.01 हेक्टेयर, जो कि राष्ट्रीय औसत से भी कम है, क्योंकि राष्ट्रीय औसत भी बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी क्या है 0.08 हेक्टेयर है, ठीक है, और यहां पर 0.01 हेक्टेयर है। यह प्रति व्यक्ति जो है भूमि का बंटवारा है वहां पर, ठीक है। तो 3 पॉइंट आप याद रखेगा, पहला पॉइंट कितना वन आच्छादन है, 7.1%, आंख बंद कर बोलिए। दूसरा पॉइंट, बिहार में कुल 12 आरक्षित वन है। तीसरा पॉइंट, बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि जो है वो औसत हेक्टेयर कितना है, 0.01 हेक्टेयर, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। चौथा पॉइंट नोट करिए, बिहार की वनस्पति जो प्राकृतिक वनस्पति है ये मुख्यतः किस किस्म की है, ये आपसे एग्जाम में पूछता है, तो याद रखेगा पर्णपाती किस्म की। किस किस्म की है, पर्णपाती किस्म के वन यहाँ पर बिहार में पाए जाते हैं। और पाँचवा पॉइंट नोट करिएगा कि पर्यावरण एवं वन विभाग जो कि बिहार सरकार के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने अपना आंकड़ा दिया है कि बिहार में कुल वन क्षेत्र उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 7.27%। अब देखो कितना बड़ा डाउट आता है, याद रखिए एक आंकड़ा निकला कि 7.1% है, दूसरे तरफ जो बिहार का पर्यावरण एवं वन विभाग है उसका मानना है कि 7.27% है, और वहीं पर जो भारत सरकार द्वारा वन स्थिति रिपोर्ट निकाला जाता है 2017 का अगर आंकड़ा लिया जाए तो वो कहता है कि बिहार में वनाच्छादन कितना है, 7.75%, ठीक है। तो याद रखिएगा ये तीनों डेटा हल्का फुल्का आपके दिमाग में रहना चाहिए ताकि आप समझो। सबसे अच्छा स्थिति कौन बताता है, जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो कहता है कि 7.75%, मतलब काफी अच्छा है इन दोनों की अपेक्षा, इसको आप ध्यान देंगे। छठा पॉइंट दे रहा दोस्तों कि बिहार के वनों से तेंदुपत्तियां, लाख, गोंद, साल के बीज और इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं, जिससे बिहार के लोगों को एक रोजगार का स्रोत मिलता है, ठीक है, उनको जीने का एक स्रोत मिलता है, उनको आय का एक स्रोत मिलता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेगा। और सातवां पॉइंट दे रहा है कि बिहार में दो वनस्पतियां प्रदेश हैं, एक है उत्तरी उप हिमालय के तराई वन, दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। देखिए मैं आपको हार्ड टॉपिक ऐसे ही लेके आऊँगा, एक दिन में एक दो लेके चलूँगा ताकि जल्दी से आपका कवर करा दूँ बिहार, ठीक है। हमारा कोई ये नहीं है कि नहीं मैं आपको लेके चलूँगा 15 अक्टूबर तक कवर कराऊँगा, नहीं, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है आप कवर करिए। छोटा छोटा पॉइंट इस तरह से लेके आऊंगा, 10-10, 5-5 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको देख के आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा कि बिहार में जो वन है उससे क्या मिलता है, तेंदुपत्तियां मिलती हैं, वो अरे सुरती जिसमें बनता है ना,
सुरती कह रहा हूँ यार, उसको सुरती भी ले सकते हो, बीड़ी वगैरह हो गया, उसके लिए जो पत्तियाँ होती हैं सब आती हैं इसमें, और लाक हो गया, गोंद हो गया, साल के बीज हो गए, इमारती लकड़ियाँ हो गया, ये वनों से प्राप्त होता है। और अगर यदि वनों की बात करें या वनस्पति प्रदेश की बात करें तो बिहार में दो वनस्पति प्रदेश हैं, एक है उत्तरी उप हिमालय के तराई वन, दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। एक एक करके देख लेते हैं, दोनों पर फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। दे रहा है कि ऊपरी हिमालय एवं तराई वन जो है इसमें क्या है, सुनिएगा। कह रहा है इस प्रकार का वन चंपारण जिले में सोमेश्वर व दून की श्रेणियों तथा सहरसा के व पूर्णिया के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। लोकेशन दे रहा बिहार में कि इस तरह के वन जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर तराई क्षेत्रों की बात करेंगे तो बिहार के उत्तरी हिस्से में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तरी हिस्से में हिमालय का निचला हिस्सा होगा, तराई वाला हिस्सा होगा, तो वहीं पर वन मिलेंगे। तो वहाँ का चंपारण जिला ले लो, अरे चंपारण अगर आपको जाना हो तो उत्तरी सेक्टर में ही पड़ेगा ना। तो इस प्रकार जो वन है ये चंपारण जिले में सोमेश्वर है और दून की श्रेणियां हैं वहां पे आपको देखने को मिल सकता है, सहरसा और पूर्णिया के तराई क्षेत्रों में यहां के वन मिल सकते हैं। यहां पर उपोष्ण अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इसमें प्रमुख वृक्ष जो होते हैं वो साल होता है, शीशम होता है, तून होता है, खैर होता है, चीड़ होता है, पाइन होता है, ये सब होता है, ठीक है। हालांकि चीड़ और पाइन थोड़ा सा कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। और अगला जो था दोस्तों शुष्क पर्णपाती वन, इसके बारे में याद रखिए कि ये वन बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग पर जो कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। अरे यहाँ पर आपको नाम भी दे रहा होगा शुष्क, मतलब क्या, जहाँ पर वर्षा थोड़ा सा कम है, किसकी अपेक्षा, जो तराई क्षेत्र है उसकी अपेक्षा वर्षा थोड़ा सा कम है। तो यानी जाहिर सी बात है वहाँ पर ऐसे वृक्ष पाएंगे जो कम वर्षा में रह सकते हैं, जैसे बबूल हो गया, साल हो गया, महुआ हो गया, पलाश हो गया, खैर शीशम हो गया। आप देखिए खैर शीशम और साल, ये तीन वृक्ष ऐसे हैं जो दोनों जगह पाए जाते हैं, कॉमन है। अमलतास यहाँ पर अलग है, बहड़ा अलग है, ठीक है, पलाश अलग है, बबूल है, महुआ है, ये सब जो है वहाँ पाए जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ पॉइंट मैं और लेके आया हूँ, उसको आप जरूर से याद रखिएगा। पहला पॉइंट है कि मैदानी भागों में, जो बिहार का मैदानी भाग है, मैदानी भागों में उपवन या पार्क लैंड तथा वृक्षदार फलदार वृक्षों के बगीचे भी पाए जाते हैं, जिसमें आम और लीची बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम और लीची की खेती जो है वो बिहार में ज़्यादातर देखी जाती थी, इसको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। दोस्तों अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं इन सब टॉपिक को जोड़ करके बिहार स्पेशल का एक सीरीज लेके आऊँगा अगले एक दो दिन में, ठीक है। उसमें मैं आपको टोटल 500 क्वेश्चन कराऊंगा, 100-100 क्वेश्चन 5 दिन में कराऊंगा, ताकि बिहार स्पेशल एकदम आपको रट जाए। भाई ये चैप्टर जो है मुझे पढ़ाने का बस खाली एक ही रीजन है कि आप हर एक टॉपिक के बारे में 2-4-10 बात जानिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। अदरवाइज प्रीलिम्स तो कर लोगे, मेंस में फिर कहोगे सर आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो जब आप चीज़ों को जानेंगे तभी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जो मैदानी भाग है वहाँ पर आम और लीची के फलदार वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं और उपवन ढेर सारे हैं। बिहार में वन उत्पादों का एकत्रीकरण और विपणन, विपणन माने होता है उनको बाजार में बेचना, ठीक है। वन के जो उत्पाद हैं, जैसे वनों से लकड़ी मिल रही है या जो कुछ भी हमें वनों से प्राप्त हो रहा है, उसको एकत्र करना, उसको बाजार में बेचने का काम जो है ये बिहार का राज्य विकास निगम करता है, इसको भी याद रखिएगा। अब थोड़ा सा ये आखिरी पॉइंट है और इसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। बिहार के वनों से प्राप्त होने वाली सामग्री कौन कौन सी, अब आपको लगेगा ना कि भाई बिहार सरकार में जो बिहार राज्य विकास निगम है ये करता क्या आखिर, मैंने आपसे कहा कि वन उत्पादों का एकत्रीकरण करता है और विपणन करता है, तो आप कहोगे ना कि सर कौन सा उत्पाद है जो ये काम करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसे अगर हम लाख के वृक्ष की बात करते हैं तो याद रखें लाख के उत्पादन में बिहार जो है ये पूरे देश में पहला स्थान रखता है। अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़ते, ये बात आपको कैसे पता चलता है बताओ। तो याद रखिएगा लाख के उत्पादन में बिहार का देश में पहला स्थान है, और लाख के कीड़े को लैसिफर लक्का या लैक बैग जाति का कहा जाता है। ये जो लाख के कीड़े होते हैं ये लैसिफर जात के माने जाते हैं, तो इसको भी याद रखेगा। ये कीड़े कुसुम माने पुष्प होता है, कुसुम, पलाश, गूलर, बरगद, खैर, रीठा, पीपल, बबुल आदि के जो पेड़ों की जो नरम डाल रहती है उसके रसों को चूस करके लाख बनाते हैं, ठीक है, तो याद रखेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है शीशम के वन दक्षिणी पूर्वी बिहार में पाए जाते हैं। कहाँ पर दक्षिणी पूर्वी कहाँ पर होगा दोस्तों, उत्तर यहाँ पर, नीचे यहाँ पर, पूर्व इस साइड होता है, तो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा ये हो गया, ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा यानी जो झारखंड साइड में टच है उस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर पाए जाते हैं, इसकी लकड़ी का उपयोग मकान बनाने, मकान का जो फर्श होता है वो करना, फर्नीचर बनाने और रेल के डिब्बों वगैरह में जो लकड़ियाँ होती हैं उसमें शीशम के लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत बड़े मात्रा में बिहार से शीशम की लकड़ियाँ निकाली जाती हैं, ठीक है। तून की लकड़ी क्या होती है, तून की लकड़ी याद रखिएगा बहुत मजबूत होती है, और इसका उपयोग भी फर्नीचर हो गया, घरेलू सामान हो गया, चाय की पेटी वगैरह हो गया, खिलौनों का पेटी वगैरह हो गया, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तून की लकड़ी, ठीक है।
है। आगे सेमल की लकड़ी, याद रखिए सेमल की लकड़ी भी वनों से प्राप्त होती है, इसका उपयोग तख्ते और खिलौने बनाने में किया जाता है, सेमल की लकड़ी, ठीक है। आगे बिहार में साल के वनों से साल की लकड़ी प्राप्त होती है, इसका प्रयोग रेल के डिब्बों, रेल की पेटियों, तंबू, पुल, खंभा, खिड़की आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा बिहार से, बिहार के जो वन है इतनी चीज़ें मिलती हैं। अब मोटी मोटा तीन पॉइंट एकदम रट लीजिए, कौन कौन सी पॉइंट याद रखिएगा, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का वन एवं वृक्षादन जो है वो कितना है, वो है 10.15%, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, भारत का अगर देखा जाए तो 1.19%, और तीसरा पॉइंट लिखिएगा प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष आच्छादन ये 0.01 हेक्टेयर, ये आपको लेटेस्ट डेटा दे रहा हूँ, ठीक है। लेटेस्ट मतलब अगर इस समय का ले रहा है तो, अगर 2017 की रिपोर्ट लेंगे तो फिर आपको 7.75 मिल जाएगा। तो ये टॉपिक भी आप लेके चलिएगा साथ में, और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, ठीक है। आज के लिए नहीं, अभी मैं आपको जल्दी से एक दो वीडियो और लेके आता हूँ, जितना भी बिहारी स्पेशल का वीडियो आएगा आप हमारे प्लेलिस्ट में आ जाइए, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि मैं कितना वीडियो बताते जा रहा हूं, ठीक है। जितना वीडियो बनता जाएगा सब बीपीएससी स्पेशल एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको हमारे स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में, वहां पर एक फोल्डर दिख जाएगा, वहां पर आके आप जो है बीपीएससी की सभी चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमारा ऐप थोड़ा सा लेट है आने में, ठीक है, 10-15 दिन का समय लगेगा, ऐप आ जाएगा और फिर वहां से आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारे साथ पढ़ते जाइए, एप्लीकेशन पे आपको प्रैक्टिस करने का भी मौका मिल जाएगा, टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा, आपके एग्जाम से पहले सब हो जाएगा, घबराइए बिल्कुल नहीं, ठीक है। टोटल आपके पास फिर भी 45 दिन का समय रहेगा जब आप सब कुछ कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत अच्छा समय है, तो अभी मैं आपको जितना पढ़ाते जा रहा हूँ आप खाली उतना पढ़ते जाओ और समझते जाओ, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, निवेदन आप सभी से।